ये तो ऐसा मत करो, अपने आप पे वो करो, फिर लड़की मिल जाएगी। Hey guys, this is Bhuman Sharma, welcome to my YouTube channel. तो आज का हमारा टॉपिक है बाइसेप का। तो आज मैं आपको अपना बाइसेप वर्कआउट बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइसेप के दो हेड्स होते हैं, एक लॉन्ग हेड एक शॉर्ट हेड। लॉन्ग हेड हो गया ये वाला जो ऊपर आपकी पीक आती है ना, वो लॉन्ग हेड हो गया, और ये जो ये चीज है ये शॉर्ट हेड होगा। तो हम चार एक्सरसाइजेस बताएंगे, दो लॉन्ग हेड की दो शॉर्ट हेड की, क्योंकि अब जब आपको टाइम लग हो जाए ना ट्रेनिंग करते, तो फिर देख बाइसेप छोटा सा है तो उसको आप एक ही बारी में सब ट्रेन कर सकते हो। ये नहीं कि लॉन्ग हेड को एक हफ्ते ट्रेन किया, शॉर्ट हेड को एक हफ्ते ट्रेन किया, तो आपको दोनों हेड्स को एक ही दिन ट्रेन किया। लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। अब हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज रहेगी बारबेल कर्ल्स। तो बारबेल कर्ल्स के लिए हम ये वाली रॉड, जो प्लेन रॉड है ना वो लेंगे, ये प्लेन बारबेल छोटी वाली। तो गाइस अब हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है बारबेल कर्ल। तो इसमें बारबेल कर्ल में आपको बताऊंगा मैं कि अगर आप इसको क्लोज पकड़ोगे ना तो आपकी शॉर्ट हेड ट्रेन करेगा, और अगर इसको वाइड पकड़ोगे तो आपका लॉन्ग हेड ट्रेन करेगा। तो इसका सेट हम लगाएंगे कि इसके हम लॉन्ग और शॉर्ट को एक ही सेट में करेंगे ट्रेन। जैसे हम 15 सेट शॉर्ट के लगाएंगे, 15 सेट लॉन्ग के लगाएंगे, मतलब हम क्लोज रख के 15 रेप्स लगाएंगे और वाइड रख के 15 रेप्स लगाएंगे। तो पहला सेट रहेगा हमारा 5-5 किलो डाल के। तो ये मैंने पकड़ा क्लोज और स्लो। तो इसके मैंने 15 रेप्स लगाए। अब मेरे को इससे मेरा शॉर्ट हेड ट्रेन हुआ, तो मेरे को लॉन्ग हेड को ट्रेन करना, तो अब मैं इसको वाइड पकड़ूंगा। तो ये मैंने वाइड पकड़ा, इसके भी मेरे को 15 रेप्स लगाने हैं। तो गाइस ये था हमारा। तो इसमें हमने 15 सेट क्लोज लगाए, 15 सेट वाइड लगाए। तो इसके हम 3 सेट्स लगाएंगे, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो गाइस अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज रहेगी, जो हमारी सेकंड एक्सरसाइज है वो रहेंगे डंबल कर्ल्स। तो और डंबल कर्ल्स लगाते हैं। डंबल कर्ल्स में हम वेट लेंगे, मैं वेट लूंगा सबसे पहले 7.5। तो इसकी आपको फॉर्म दिखाता हूं मैं, मतलब आपको ऐसे लेना है और थोड़ा सा रोटेट करना है इसको। तो ये और बाइसेप का मेन पता क्या होता है कि अगर आप बाइसेप को जितना हल्का और जितना फॉर्म से लगाओगे ना बाइसेप, तभी बनेगा। छोटा सा मसल है, इसको आप हफ्ते में दो बार भी ट्रेन करो, इसकी 3-3 एक्सरसाइज भी लगाओ ना, ये तब भी बड़ा हो जाएगा। तो आप फॉर्म देख लो, फॉर्म चेक करो। अगर आपको एक से हल्का लग रहा है, जैसे मैं एक एक करके लगा रहा हूं, तो आप दोनों भी लगा सकते हो। नो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। गाइस ये थी हमारी सेकंड एक्सरसाइज। तो इसके भी हमने 3 सेट लगाने हैं। तो रेप्स रेंज इसकी 15-18 ही रखनी है, और फॉर्म से जितना आप फॉर्म से लगाओगे उतना आपका बाइसेप ग्रो करेगा। तो अब हम थर्ड एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो गाइस अब हमारी थर्ड एक्सरसाइज है वो कंसंट्रेशन कर्ल्स। तो कंसंट्रेशन कर्ल्स की मैं आपको फॉर्म बताऊंगा। और कंसंट्रेशन कर्ल्स बेसिकली हमारी पीक के लिए होती है, जो लोग बोलते हैं ना कि पीक चाहिए, पीक पीक ऊपर पूरा आपका पीक निकलती है, जितना ऊपर मतलब बड़ा बड़ा आपका बाइसेप लगता है। तो वो कंसंट्रेशन कर्ल्स या स्पाइडर कर्ल्स हो गए, जितने भी प्रीचर पे लगाते हैं प्रीचर कर्ल्स हो गए ना, ये जितनी भी एक्सरसाइजें होती है ना, ये सब आपके पीक के लिए होती है। तो अब आप ये लगाओ, मैं आपको बताता हूँ। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो कंसंट्रेशन कर्ल्स को ना गलत लगाते हैं। तो उनके लिए बस बोलना था कि जो आपके एल्बो है ना, एक तो आप वेट हल्का पकड़ो। देखो मारने को मैं 20 भी मार सकता हूँ, पर उसका कोई फायदा नहीं है, हमें बाइसेप ग्रो करना है। बस जैसे मैंने आपको बोला कि बाइसेप छोटा मसल है, तो उसको जितने आप मतलब कि आराम से ट्रेन करोगे ना, जितने आस्ता आस्ता ट्रेन करोगे वो तभी बनेगा।
तो आपको हल्का सा वेट पकड़ना है, और जो एल्बो है ना, एल्बो को आपको इधर रखना है, मतलब अपने जो ये है घुटने, घुटनों के साथ एल्बोस को जोड़ के इसको अपनी तरफ खींचना है, ये स्लोली पूरा ऊपर, पूरा नीचे, पूरा ऊपर, चार सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह। सो इस हाथ से मैंने 15 रेप्स लगाए, अब मेरी इस हाथ की बारी है, तो अब इस हाथ से लगाने हैं। तो इसको भी आपके प्लेसमेंट इधर रखनी है और अपनी तरफ खींचना है, जितना अपनी तरफ खींचोगे उतना इससे ज्यादा पंप आएगा। चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह। तो गाइस हमने इसकी 15 रेप्स लगाए, तो ये थी कंसंट्रेशन कर्ल जो हमारी पीक के लिए थी। तो अब इसके बाद हमारी लास्ट एक्सरसाइज होगी जो मैं दिखाऊंगा आपको। तो गाइस अब हमारी फोर्थ एक्सरसाइज और लास्ट एक्सरसाइज रहेगी, वो रहेगी केबल कर्ल्स। तो इस पे हमें केबल पे ये लगानी है रॉड, जो प्लेन रॉड होती है, और इस पे हम प्लेन भी लगा सकते हैं, रोप भी लगा सकते हैं। तो रोप जो होगी वो हमारे लॉन्ग हेड को ट्रेन करती है, और जो प्लेन रॉड होती है वो हमारे शॉर्ट हेड को ट्रेन करती है। तो मैंने पिछली बार जो पिछले हफ्ते था वो मैंने रोप लगाई थी, तो इस बार मैं रॉड लगाऊंगा। तो आप केबल लगा रहे हो, आप मतलब कि बारबेल रॉड लगा रहे हो, या आप प्लेन डंबल्स लगा रहे हो, कोई भी, आपको फॉर्म का ध्यान रखना है। ये नहीं कि इसमें मैं ज्यादा मार सकता हूँ दूसरों को दिखाने के लिए, लड़कियां पटाने के लिए, तो उससे भाई बॉडी नहीं बनती है। देख लड़की भी नहीं पटती है और मतलब कि बॉडी भी नहीं बनती है, तो ऐसा मत करो, अपने आप पे वर्क करो, फिर लड़की मिल जाएगी। तो देखो तो गाइस हमने इसके 12 रेप्स लगाए, तो ये थी हमारी लास्ट एक्सरसाइज, इसके मैं 3 सेट लगाऊंगा। तो गाइस ये था हमारा बाइसेप का वर्कआउट, तो इसमें मैंने 4 एक्सरसाइज लगाई, ये मैं अपने बाइसेप के वर्कआउट में लगाता हूँ। इसमें लॉन्ग हेड भी ट्रेन किया, शॉर्ट हेड भी ट्रेन किया, और बाइसेप को ग्रो करने का मेन हैक वही मैंने आपको जो बताया कि जितना इसको आप फॉर्म से लगाओगे और जितना स्लो लगाओगे उससे ये बढ़ेगा। तो ये था मेरा बाइसेप का वर्कआउट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। Dum dum da da dum dum da da dum.